नमस्कार, मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है, 10 दिनों में जवाब मांगा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले का सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए बुधवार को उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तराखंड सरकार से 10 दिनों में जवाब देने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वे 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाली धर्म संसद को रोकने के लिए लोकल अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई हुई। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल द्वारा स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद में हिंदू साधुओं और अन्य नेताओं ने मुस्लिमों के खिलाफ हथियार उठाने और उनके कथित नरसंहार का आह्वान किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि हम इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना चाहते, हम राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगेंगे। इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं मामले को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहता, इस मामले में केंद्र को भी नोटिस भेजा जाए ताकि मामले की जल्द सुनवाई हो। 23 को अलीगढ़ में फिर से धर्म संसद आयोजित की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए स्काई न्यूज ग्लोबल। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज, तुरंत समाधान, A to Z समस्याओं का घर बैठे समाधान। 72 शक्तियों के माहिर, 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली, स्पेशलिस्ट गृह कलेश, नौकरी प्रमोशन, कारोबार में रुकावट, विवाह में रुकावट, संतानहीनता, तलाक, कोर्ट के सौतन, दुश्मन से छुटकारा, वशीकरण, मुटकरणी, सारी जगहों से निराश हो तो जल्द संपर्क करो वर्ल्ड फेमस बाबा सुल्तान बंगाली। बाबा सुल्तान बंगाली 7230999170।